Let's read the question. Present question, दो statements assertion and reason पर based है. तो assertion में कहा गया है, if current shown in the figure is increasing, then VA more than VB. So बच्चों यहाँ दिखाया गया है हमें एक inductor, इसको हम coil भी बोल सकते हैं, inductance L. अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, इट मींस कहाँ फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है. और हमें assertion में बताया कि करंट इंक्रीज होता जा रहा है. तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा मैग्नीट्यूड आएगा एल डी बाई डी टी ऑफ आई. अब बच्चों करंट इंक्रीज हो रहा है इट मींस यहाँ पर हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग कंडीशन में मिलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर कर रहे हैं हम. इट मींस क्या हुआ कि जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है दैट विल बी मोर देन द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट. सो हम बोल सकते हैं कि assertion इज ट्रू. अब बच्चों अगर हम रीजन चेक करेंगे तो रीजन में बताया करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर इज कॉन्स्टेंट देन बोथ साइड्स ऑफ द इंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल. तो अगर करंट कांस्टेंट है इंडक्टर के थ्रू इट मींस क्या हुआ, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा वो आ जाएगा हमारे पास में जीरो. इट मींस हम बोल सकते हैं अगर हमें डी बाई डी टी ऑफ आई जीरो मिल जाए मींस हम क्या बोल सकते हैं कि बी ए माइनस वी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो. सो वी ए इज इक्वल टू वी. तो इट मीन्स इंडक्टर के जो दोनों एंड्स हैं ए एंड बी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. तो रीजन भी ट्रू है बट रीजन एक इंडिपेंडेंट रीजन है, assertion को एक्सप्लेन नहीं करता है. सो करेक्ट आंसर विल बी. थैंक यू.